राष्ट्रीय संगमनी वसुना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तामा देवा व्यदध पुरुत्रा पुरिस्थात्रां भूय विशयंती। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। गणनायक गणनायक संवत् प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की। जय श्री महाकाल। क्या आपने अमावस्या की रात को चांद निकलती देखा है? क्या कहा, नहीं मैंने भी नहीं देखा। किंतु ऐसा हुआ है, वर्तमान में नहीं बल्कि आज से 2000 वर्ष पूर्व महाराजा विक्रमादित्य के शासनकाल में। क्या आप जानते हैं कि पहले विक्रम संवत का समापन माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी अर्थात पूर्णिमा को होता था और उसका प्रारंभ माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को होता था। किंतु एक सुखद घटना के पश्चात विक्रम संवत का समापन माघ मास की अमावस्या को तथा उसका प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होने लगा। हुआ यूं कि एक बार महाराजा विक्रमादित्य और उनके कुछ मंत्री तथा राज ज्योतिषी अमर सिंह दरबार में बैठे थे। किसी कार्य के मुहूर्त पर चर्चा चल रही थी। राज ज्योतिषी अमर सिंह जी भी गंभीर गणना में व्यस्त थे और अचानक ही महाराजा विक्रमादित्य ने उनसे पूछा, वाह बड़ा ही अद्भुत शब्द संकलन है आपका। शब्दों का संसार भी कितना विचित्र बहद और मनोरंजक है। हम कभी कभी सोचते हैं कि यदि शब्द ना होते तो मानव आज भी भावों और इंगित के माध्यम से ही संवाद कर रहा होता। जी सत्य कहा आपने महाराज, शब्दों के बिना अभिव्यक्ति की कल्पना बड़ी ही दुष्कर प्रतीत होती है। अमर जी, पहले जब शब्द नहीं थे तब मानव मुख के भावों और हाथ पैर इत्यादि अंगों के इंगित से वार्तालाप करता था। फिर बात को लिखकर समझाने की कि उसने क्या उपक्रम किए होंगे। करुणाक्ष जी, जब लिखकर समझाने की आवश्यकता हुई तब भाषा के आविष्कार की सृष्टि हुई और उसमें था सबसे पहले चित्रों के माध्यम से समझाना, यानी कि घटित घटनाओं को चित्रों के माध्यम से समझाना। जैसा कि आज भी हमें गुफाओं में भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। वाह अद्भुत। अच्छा एक जिज्ञासा और शांत कीजिए कि वर्णमाला का आविष्कार या निर्माण कैसे हुआ या किसने किया होगा? अमर सिंह जी, लगता है गरुड़ाक्ष जी आज आपकी परीक्षा लेकर ही रहे। अगर ऐसा है महाराज तो ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि परीक्षा से आदमी निखरता है और परिश्रम के लिए प्रेरित होता है और उसका अहंकार भी कम होता है। जी नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अपनी जिज्ञासावश पूछ रहा हूं। गरुड़ाक्ष जी, जब सृष्टि के निर्माण में कालांतर में भगवान शिव ने अपना डमरू बजाया तब उसमें ध्वनि के रूप में 14 सूत्र निकले जिन्हें माहेश्वरी सूत्र कहा जाता है और उसी से वर्णमाला का प्रादुर्भाव हुआ।
जिन्हें आप आई, उन, री, लर, र, क आदि के नाम से जानते हैं। इसीलिए तो कहा भी जाता है नाद ब्रह्म शब्द ब्रह्म, इसीलिए तो आप हमारे नवरत्न कहलाते हैं। आप और आपके ज्ञान को प्रणाम। महाराज ये तो आपका बड़प्पन है, हीरे की परख तो जौहरी ही कर पाता है, वरना हीरा हीरा होते हुए भी हीरे की पदवी नहीं पा सकता, और आप वही जौहरी हैं। योग्य व्यक्ति की योग्यता का सम्मान होना ही चाहिए। आप अवंतिका की आकाश के चंद्र हैं। चंद्र से याद आया, अमर सिंह जी आज तिथि कौन सी है? जी आज पूर्णमासी है। पूर्णमासी जी? अमर जी आप अपने पूरे आत्मविश्वास और उत्तरदायित्व से कह रहे हैं ना? जी हाँ, मैं पूर्ण आत्मविश्वास और पूरे उत्तरदायित्व के साथ कहता हूं कि आज ही पूर्णमासी है। अमर सिंह जी आज पूर्णमासी है तो पूर्ण चंद्रोदय भी होगा। इसमें कोई संदेह नहीं महाराज, आज पूर्णमासी है तो चंद्रोदय भी होगा। आप ज्योतिषी भी हैं, आपकी गणना के अनुसार आप कह रहे होंगे। चलिए आज की सभा समाप्त की जाती है। अमावस्या की पूर्णमासी कह बैठो यो विद्वान, बोलो महाकाल की जय। अमावस्या की पूर्णमासी कह बैठो यो विद्वान, जान के भूल फिर भी बन के बैठो वो अनजान। कैसे झूठ निभेगो आयो कंठ में उको प्राण, कैसे उगेगो चंद्रमा कैसे होगो निदान, बोलो महाकाल की जय। वो कहते हैं ना, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। पहला झूठ तो अमर सिंह जी से अनायास ही निकल गया था, लेकिन दूसरा झूठ 99 झूठ के बराबर था। वो उनके गले की हड्डी बन गया, वो ना तो उसे निगल सकते थे ना ही उगल सकते थे। इसी उधेड़बुन में वो घर पहुंचे। कहते हैं इश्क और मुश्क और दाई से पेट छुपाए नहीं छुपता। इसी तरह उनका चिंतित और उदास चेहरा उनकी बेटी से छुप ना सका। पिताजी आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? हाँ, कुछ कहा तुमने? हाँ, मैं ये कह रही थी आपका स्वास्थ्य ठीक तो है ना पिताजी? स्वास्थ्य? हाँ स्वास्थ्य तो ठीक ही है, क्या हुआ मेरे स्वास्थ्य को? ये तो आप कह रहे हैं, किंतु आपके वाणी और मुख के भाव में सामने नहीं लग रहा, कोई समस्या तो जरूर है। हाँ पुत्री, आज महाराज के समक्ष आत्ममुग्धता के वशीभूत होकर हमने तिथि बताने में त्रुटि कर दी। अर्थात आज अमावस्या है और हमने भूलवश पूर्णमासी कह दिया। और यही नहीं पुत्री, पूरे आत्मविश्वास के साथ हमने यह भी कहा कि आज चंद्रोदय भी होगा। ओ, ये तो बड़ी विकट समस्या है। चंद्रमा उदित होगा, अवश्य उदित होगा पिताजी, आप किंचित भी चिंतित ना हो।
कैसे उदित होगा? कैसे? पुत्री, किस आधार पर आप हमें सांत्वना दे रही हैं? और अब समय भी अल्प है। वर्षों से करते आ रही अपनी साधना के आधार पर, वर्षों से संचित पुण्य कर्मों के आधार पर, आज मैं अपनी संपूर्ण चंद्र साधना को दांव पर लगा दूंगी पिताजी। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। अब तो यह सब कुछ तुम्हारे और ईश्वर के ही हाथ में है। ओम श्राम श्रीम श्रोम चंद्रमसे नमः। ओम ह्रीं क्लीं सोमाय नमः। सोमम चंद्रमसे नमः। ॐ ह्रीं क्लीं सोमाय नमः। चंद्रमसे नमः। बैठी पुत्री जमा के आसन घर की छत पे, आज बोलो महाकाल की जय। बैठी पुत्री जमा के आसन घर की छत पे, आज दाव लगाऊं पुण्य निसारो बचाऊं पिता की लाज। उगे चंद आकाशिया गिरेगी सर पे काज, पुत्री के अपना तप पे है अखंड बड़ा विश्वास। बोलो महाकाल की जय। सोमम आवाहयामि। ॐ श्रां श्रीं श्रों चंद्रमसे नमः। ॐ ह्रीं क्लीं सोमाय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं सोमाय नमः। Thank you.
चंद्रोदय? वो भी आज? हे भगवान, अद्भुत, कैसे? अमर सिंह जी, मान गए आपकी ज्योतिषी गणना को, हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। केवल आपके लिए नहीं महाराज, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के लिए भी। कल एक क्षण के लिए तो मैं सोचने लगा कि अमर जी ये क्या असंभव से लगने वाली बातें कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या खगोलीय घटना हुई जो प्रकृति को भी अपना समय परिवर्तन करना पड़ा। क्षमा महाराज, क्षमा। ये न तो किसी मेरी गणना और न ही किसी खगोलीय घटना के परिणाम स्वरूप चंद्रोदय हुआ है। आप और अधिक रहस्यमय बातें कर रहे हैं। यदि ये किसी खगोलीय घटना के परिणाम स्वरूप नहीं था तो फिर हमने कल क्या देखा? हाँ अमर जी, हमने कहीं कोई माया जाल या इंद्रजाल का जादू तो नहीं देखा? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वस्तुतः कल अमावस्या ही थी और मेरे मुख से त्रुटिवश पूर्णमासी निकल गया। अपमानित होने के भय से मैंने अपने कथन को सुधारा नहीं। यदि कल अमावस्या थी तो फिर चंद्रोदय कैसे हुआ? महाराज, मेरी पुत्री मैत्रेयी के तपोबल से जब उसने मुझे चिंतित अवस्था में देखा, चिंता का कारण पूछा, तब मैंने उसे सारी घटना सुनाई। तब उसने अपने पुण्य बल से रात्रि भर चंद्रदेव की आराधना की और परिणाम आपके सामने। ये तो बड़े आश्चर्य और प्रसन्नता की बात है कि हमारे राज्य में ऐसी पुण्य आत्माएं रहती हैं। आज से हम इस अवसर पर यह घोषणा करते हैं कि विक्रम संवत का समापन पूर्णमासी के स्थान पर माघ मास की अमावस्या को और प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होगा। महाराज विक्रमादित्य की जय हो। अवंतिका पुत्री मैत्रेयी की जय हो। चंद्र उदित हुओ नभ में पूर्ण कला का साथ, बोलो महाकाल की जय। चंद्र उदित हुओ नभ में पूर्ण कला का साथ, जगमग हो गई रात अंधेरी, फैलियो चंद्र प्रकाश, फैलियो चंद्र प्रकाश, बचायो पिता को घटतो मान, विक्रम राजा ने करियो फिर पुत्री को सम्मान, बोलो महाकाल की जय। लोक श्रुतियों और कथाओं के अनुसार विक्रम संवत की प्रारंभ होने की तो अनेक कथाएं मिलती हैं, लेकिन समापन की यह अनोखी कथा कहीं न कहीं सही भी प्रतीत होती है। कहीं किसी कथा में ज्योतिष पुत्री के द्वारा महाकाली की उपासना का वर्णन भी मिलता है।
क्योंकि दश महाविद्या तंत्र के अनुसार महाकाली की उपासना से अमावस्या की रात को भी चंद्र दर्शन संभव बताया गया है। यही नहीं अपितु आठों दिशाओं में अष्ट चंद्र दर्शन किए जा सकते हैं। धन्य है सनातन धर्म, उसकी परंपराएं, उसके ग्रंथ, उसका विज्ञान, जो आज भी हमें विस्मित कर देते हैं। यदि सनातन धर्म की परंपराओं और ग्रंथों का पर्याप्त और गहन अध्ययन किया जाए और उनकी पुनर्स्थापना की जाए तो आज भी भारत अपने स्वर्णिम युग और स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। जय श्री महाकाल, जय महाराजा वीर विक्रमादित्य। नायक गणनायक संवत प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की महाकाल हर सिद्धि भैरव उपासक शकारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत ज्योतिष पुरोधा विक्रमादित्य की ऋणमुक्त करता प्रजा दुख हरता जनप्रिय महाराज विक्रमादित्य की जय।